हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में अपना बचपन का घर दिखाऊंगी, जहां पर मैं पैदा हुई थी और जहां पर मैं पली पड़ी हूं, जहां से मेरी शादी हुई है। फ्रेंड, वो वही घर है। और आप लोगों को मैं क्या बताऊं फ्रेंड, ये घर अब खंडर हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि ये घर पूरी तरह से खंडर हो चुका है, कितना ख़राब हो चुका है। यहाँ पे जो चौकट बाजू होता है ना, वो सब गल गया है, सड़ गया है। और फ्रेंड, मैं इसलिए ये वीडियो बनाई हूँ, इस घर का वीडियो बनाई हूँ, ताकि मेरा जब मन करे तब मैं इस घर को देख सकूँ। तो फ्रेंड, ये घर कब गिर जाएगा, कब टूट जाएगा पता नहीं। वैसे तो बना था, मैं बहुत छोटी थी तभी बना था, मेरे होश में बना था ये घर। और इस घर में मैं, ये घर जब बन रहा था तो ईंट वगैरह मैंने ला के दिया था। मुझे होश अच्छे से आता है कि मेरे मम्मी पापा ये घर कितने मतलब तकलीफ़ से और कितनी मेहनत से बनवाए थे। तो फ्रेंड, आप लोग ये घर देख रहे हैं कि ये घर पूरी तरह से खंडर हो चुका है। और ये मेरे भाई और भाभियों के राज में हुआ है। जब हम लोग रहते थे, हमारे मम्मी पापा यहाँ पे रहते थे, तो ये घर बहुत अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा था। लेकिन जब से भाइयों का नया घर बन गया, इस घर को खंडर बना के रख दिया। तो फ्रेंड, ये मतलब इसकी जो सीढ़ियाँ हैं ना, इतना देखने में डर लग रहा था। मैं बहुत डर डर के उस सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, इसलिए डर रही थी कि कहीं सीढ़ियाँ मतलब धस न जाए अंदर ज़मीन में। और ये देखिए, खंडर तो बन गया है, लेकिन अभी भी भाभियों का ताला लटका हुआ है। अब मेरे मम्मी के हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी कुछ भी नहीं करती हैं, कुछ लेना देना नहीं है, बस दो रोटी खाने से मतलब रखती हैं। सारे घर में लकड़ियाँ वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या भर के ताला मार के रखी हैं। मैं जब इस घर का वीडियो बनाने के लिए आई तो मुझे चाबी मांगना पड़ा। अब घर घर की कहानी होती है फ्रेंड, मैं सब कुछ तो नहीं यूट्यूब पर शेयर कर सकती, नहीं बता सकती। हाँ, लेकिन अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट सेक्शन में कहोगे, तो मैं सारी कहानी लेकर आऊँगी। लेकिन आप लोगों को उसके लिए मदद करनी पड़ेगी मेरी, तब मैं सारी बात, सारी अपनी लाइफ की कहानी बताऊँगी कि हमारे ज़िंदगी में क्या हुआ था, कैसे होता है, हमारी लाइफ कैसी है। लेकिन हम ऐसे नहीं सबको दिखा पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टेरिस थी ना, इस बचपन में मैं इस टेरिस पे खेलती थी, सोती थी, बहुत इंजॉय करती थी। लेकिन ये टेरिस आप लोग देख सकते हैं कि पीपल, बरगद और इतनी सारी झाड़ घास वगैरह जम चुके हैं कि ये घर में अब तो भूतों का राज रहेगा। रात में तो डर लगता है, दिन में तो हम कैसे आ जाते हैं, लेकिन दिन में भी मैं इस घर पर आई तो बहुत डर 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 के आई। तो इसी तरह से मेरा घर है फ्रेंड, और इसी घर में मैं पली बड़ी हूँ, इसी घर में मेरी शादी हुई है। और थोड़ा कच्चा घर भी था, मिट्टी का भी घर था, लेकिन अभी मेरे शादी के समय वो घर सही सलामत था। मेरे भाइयों के अलग होने के बाद वो भी घर एकदम गिर के ये हो गया, ज़मीन में मिल गया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, फुल ब्लॉग में बनी रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा। और इस तरह से मेरा घर है, और आज अगल बगल भी घर बन चुके हैं, ये पूरा बांस दिख रहा है। और ये घर बना था फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ये घर ना पोखरी होता है ना, पोखरी उसी के बाजू में मेरी ज़मीन थी, तो उसी पे ये घर बना था और बहुत मेहनत से बना था। तब ये घर कुछ 30-40 हज़ार में बन गया था, 40-50 के लगभग लगा रहा होगा, 40-50 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं लगा था। और आप लोग देख सकते हैं कितने सारे गंदगी, पेड़ पौधे, मतलब बांस के जो पत्ते होते हैं घर में इकट्ठा हो चुके हैं।
और जब छोटी थी ना फ्रेंड, तो ये सीढ़ियाँ दिन भर में ना जाने कितनी बार चढ़ के आती थी, चढ़ के जाती थी, लेकिन आज इसी सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में मुझे डर लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि पूरी सीढ़ियाँ दीवार छोड़ दी है और पूरा अंधेरा था फ्रेंड, लाइट वगैरह नहीं थी। मैं फ्लश अपने मोबाइल का ये करके वीडियो बना रही हूँ। और ये चूल्हा है फ्रेंड, ये मेरी मम्मी का चूल्हा है। जब मेरी मम्मी इस घर में रहती थी तब खाना बनाती थी मेरी मम्मी। अब तो मेरी मम्मी का राजपाट ही चला गया सब, अब तो कुछ भी नहीं है। और पापा के जाने के बाद मम्मी इतनी टूट गई है, इतनी टूट गई है कि अब तो कोई नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता। और ये फ्रेंड ना, ये वो झोला दिख रहा है, ये जिस झोले में मैं पढ़ाई की हूँ, ये मैंने अपने हाथों से झोला बुना था अपने लिए, मैं पढ़ने के लिए बुनी थी। वैसे तो पहले गोनी के ही झोले मिलते थे हम लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बुन कर ऊन के धागे से, मतलब बुन के इसको बैग के जैसे बना दिया था। और इसी झोले में मैं पढ़ी हूँ फ्रेंड, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। और ये झोला जब मेरी मम्मी मेरे पढ़ने के बाद मेरी मम्मी यूज करती थी, कहीं आजार बाजार कहीं जाना होता था, तो अभी वो झोला कोने में पड़ा सड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब लोगों ने रखा है, पता नहीं कौन रखा है, किसका है। और ये जब बरामदा था ना फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता था। और इसी बरामदे में ना, जब मेरी मम्मी पापा यहाँ पर रहते थे तब यहाँ पे सोया करते थे, खाट वगैरह सोने का यहाँ पे था। तो ये भगवान का, हमारे जय गुरुदेव महाराज का यहाँ पे फोटो लगा था, आज भी वो फोटो वहीं का वहीं है, उसी जगह है। और ये फोटो मेरे पापा अपने हाथों से लगाए थे, क्योंकि जहाँ पे सोते थे ना मेरे पापा, वहाँ पे उनके सिराने जय गुरुदेव महाराज का फोटो ज़रूर रहता था। चाहे ये घर हो चाहे वो घर हो, जहाँ भी रहते थे उनके छत्र छाया में ही रहते थे। और ये लॉक मैं नहीं खोल सकती हूँ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी मतलब हानि है, मतलब क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं ना, हानि यहाँ पे मतलब लगा के रखी है। अगर ये दरवाज़ा मैंने खोला तो मुझे बहुत सारी हानियाँ काट लेंगे। और ये इसमें भी लॉक लगा के वही लोग रखी हैं। तो इस तरह से अंदर बाहर से पूरा घर है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा सपनों का महल खंडर बन चुका है। और जो मिट्टी वाला घर था वो यहाँ पे था फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा एकदम ज़मीन में मिल चुका है। तो यहाँ गांव की औरतें हैं ना, जो उपले पाती हैं इस पे, इस ज़मीन पे गोबर जो होते हैं ना पशु के, वही गोबर यहाँ पे उपले पात के रखी हैं सब लोग यहाँ पे। ये जितना खाली दिख रहा है ये सब मेरा है, मतलब मेरा क्या है, मतलब भाइयों का अब हो गया है। और ये मेरे गाय बैल का ये था, भैंस का घर था। आज देखिए आप लोग किस हालत में है, किस कंडीशन में है, जब हम लोग रहते थे तो क्या था और आज क्या हो गया है। तो बेटियों के राज में कुछ और होता है और भाभियों के राज में कुछ और हो गया है। और ये है पड़ोस की भाभी जो मेरे से बात करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।